मैम बात करें आज के युवा खेसारी जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक ही शब्द कहना चाहूँगी मैं, वेरी एक्साइटेड. सॉरी, दो शब्द हो गए, बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि खेसारी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं और उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पहले से ही, और उनके साथ जब मैं फिल्म करूँगी तो मुझे पता है 30-35 दिन के शेड्यूल में मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊँगी. इतना मैं एंजॉय करने वाली हूँ सेट पर, और प्लस फिल्म की कहानी इतनी अच्छी है, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला रोल है, उसके लिए तो मैं हमेशा लालची रहती ही हूँ कि मुझे कोई ऐसा रोल मिले जिसमें मुझे परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो. तो वो किरदार है इस फिल्म में जो कि बहुत ही परफॉर्मेंस बेस्ड है. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आशिकी के लिए, पराग पाटिल जी के साथ काम करने के लिए, प्रदीप शर्मा जी के साथ काम करने के लिए, और खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने के लिए. एंड हम लोग बहुत मेहनत से इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, बहुत खुशी से इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. तो मैं खाली यही उम्मीद करती हूँ कि जब हमारी ये मेहनत आप लोगों के सामने फिल्म के रूप में आएगी तो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा. लुक काफ़ी अलग है मैम, क्या कहना चाहेंगे? जी, लुक अलग तो मैंने बनाया, पर ये उत्तर प्रदेश की गर्मी टिकने नहीं देगी, सब पिघल जाएगा. बट हम लोग ने बहुत ज़्यादा समय दिया था लुक को, पराग पाटिल जी ने और मैंने और हमारी डिज़ाइनर विद्या जी ने बहुत ज़्यादा समय दिया था लुक पे, बहुत ज़्यादा काम किया था हम लोगों ने. और ये कैरेक्टर एक बहुत ही गरीब लड़की का और पिछड़ी जाति से आई हुई लड़की का कैरेक्टर है, तो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था और हम लोग ने लाइव ऐसे लोगों को जो देखा था उनके रेफरेंसेस को याद करके इस फिल्म का कॉस्ट्यूम बनाया है. एंड आई एम श्योर ऑडियंस को एक अलग फ्लेवर देखने मिलेगा कॉस्ट्यूम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इस फिल्म में. मैडम, दो गाने खेसारी जी के साथ, उसके बाद आसकी, तो आसकी कितना फरमा रहे हैं? सबसे पहले तो वो जो दोनों गाने हैं, उन दोनों गानों को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, तो मुझे ये कहा जा सकता है कि 60% उस प्यार पे और 40% हमारी इस फिल्म की कहानी और मेरी और खेसारी जी की केमिस्ट्री पे ट्रस्ट है. और मुझे लगता है कि जितना प्यार लोगों ने वो दो गानों को दिया था, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा प्यार इस फिल्म को देंगे, क्योंकि इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी के अलावा कहानी इतनी अच्छी है कि ऑडियंस ज़रूर बार बार देखना चाहेगी फिल्म. मैम, फिल्म की बात करें तो फिल्म में जो आपका गेटअप है साथ साथ आसकी में नज़र आ रहा है, तो देसी लुक के लिए कितनी तैयारी, और खेसारी जी के साथ देसी रोमांस होगा? जी बिल्कुल, इस फिल्म में बहुत ज़्यादा देसी रोमांस होगा, और आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लव देखने मिलेगा. जैसे हम फिल्मों में कई बार रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को, बहुत वास्ट दिखाते हैं, बट इस फिल्म में आपको सही में एक कपल जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत बंधा हुआ है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, गरीबी से जूझ रहा है, उसके बाद भी जब दो लोगों में प्यार रहता है तो वो रियलिटी में कैसे रहते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा. और बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे सीक्वेंसेस लिखे हैं हमारे राइटर राकेश जी ने, और उसको बहुत अच्छे से फिल्मा रहे हैं हमारे डायरेक्टर पराग पाटिल जी, और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं और खेसारी जी, कि हम बहुत अच्छे से जो किरदार लिखे गए हैं उनको निभाएं. और जब हम सीन शूट करें तब तो देख के लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी तो लास्ट फाइनल वर्डिक्ट तो आप ही लोग देंगे. बट मुझे लगता है कि मैंने पिछले कई दिनों में जितनी फिल्में की हैं उनसे बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई फिल्म है आशिकी, और ऑडियंस को देखकर बहुत मज़ा आएगा. मैम, पहले निरहुआ जी के साथ आपकी जोड़ी, पर अब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि आशिकी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मीम्स वायरल किए जा रहे हैं. अच्छा, जोड़ी के साथ आपकी जोड़ी? नहीं, मतलब क्या मीम्स? हमको दिखाना इंटरव्यू के बाद. हाँ, मीम्स. अच्छा, हाँ, आपको लेके इंटरव्यू कई सारी चीज़ किया जा रहा है कि अब आप निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे नहीं बल्कि खेसारी के साथ जोड़ी नजर आने. मैं तो बता रही हूँ, ये जितने हीरो हैं ना, जितने, सबके साथ काम करूँगी मैं, सबके साथ मेरी जोड़ी नजर आएगी, तो बी प्रिपेयर्ड, मैं हर किसी के साथ काम करूँगी.
दिनेश जी के साथ काम करूंगी, खेसारी जी के साथ काम करूंगी, पवन जी के साथ काम करूंगी, चिंटू जी के साथ काम करूंगी, जितने हीरो हैं सबके साथ काम करूंगी, बस स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज शायद कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, इट इज़ माई जॉब, आई एम एन एक्ट्रेस, यही मेरा काम है कि मैं अच्छी फिल्में करूँ। एंड यहाँ पे किसी भी लड़की को, किसी भी हीरो को, किसी भी हीरोइन को इस के ऑपोजिट और उसके ऑपोजिट काम करने की वजह से जज नहीं करना चाहिए। हमारा जॉब है ये कि हम काम करेंगे। अगर मैंने लगातार 25 फिल्में दिनेश जी के साथ की तो मेरे पास उन फिल्मों का एक्सेस था, मुझे उनकी कहानी पसंद थी, इसलिए मैंने की। आज मैं खेसारी जी के साथ कोई फिल्म कर रही हूँ, इट इज़ माई पर्सनल चॉइस, आई लव द स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट टू डू द फिल्म एंड आई एम डूइंग इट बिकॉज दैट इज़ माई जॉब। और हर इंसान का जो जॉब होता है उसको बहुत शिद्दत से करना चाहिए। और हम सब एक्ट्रेसेस, हम सब एक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से काम करें और हमारी इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं। तो मैं हमारे सभी के दर्शकों से यही निवेदन करूंगी कि हमको किसके साथ कौन काम कर रहा है, किसने कौन सी फिल्म की, किसने कौन सी फिल्म छोड़ी, किसने किस हीरो के साथ कौन क्या कर रहा है, वो सब छोड़ के बस हमारे काम को देखिए, हमारी फिल्मों को देखिए। आप लोग अपने घरों से निकल के जाइए हमारी फिल्मों को देखने, क्योंकि हम सच्ची में डे नाइट इतनी धूप में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम अच्छी फिल्में बनाएं और हमारी इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम पर ले जाएं, और वो आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो सहयोग कीजिए प्लीज़, टिप्पणी मत कीजिए प्लीज़, गुस्सा मत कीजिए प्लीज़, हेट कॉमेंट्स मत कीजिए, हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप अगर कुछ ख़राब हमारे लिए लिखते हैं, कभी कोई ख़राब कमेंट करते हैं, हमारा बहुत दिल टूटता है, हमारा बहुत आत्मविश्वास टूटता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें जैसे आपने हमेशा बनाया। आप यूपी से हैं और इन दिनों यूपी में शूटिंग काफ़ी हो रही है, सीएम योगी जी का सहयोग मिल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर से हूँ, तो मैं तो डबल प्रफुल्लित हूँ, मतलब डबल खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने आँख से देख रही हूँ मेरे राज्य में डेवलपमेंट होते हुए। मैं यहाँ पर बचपन से आती रही हूँ, जब स्कूल के वैकेशंस होते थे तब से मैं आती रही हूँ यूपी। मैं ट्रेन से ही सफ़र करती थी, तो ट्रेन से हमें जितना उत्तर प्रदेश दिख सकता था उतना देखते हुए आते थे। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश में आके देख रही हूँ तो मतलब मुझे हर एक डेढ़ महीने में नया उत्तर प्रदेश दिखता है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है हमारे राज्य में। और इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो देख के हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत गर्व महसूस होता है। और फिल्मों के प्रति तो जो किया गया है उसमें मतलब क्या कहा जाए, मैं ये जितने आर्टिस्ट्स को जानती हूँ भोजपुरी में जो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से भी ऑब्वियसली, लेकिन जितने उत्तर प्रदेश के आर्टिस्टों को मैं जानती हूँ इस समय पे एक भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो घर पर बैठा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लोगों को यहाँ पे फिल्म बनाने के लिए। जो भी प्रोड्यूसर्स यहाँ फिल्म बनाने आ रहे हैं वो लोकल आर्टिस्ट्स ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से यहाँ के लोगों को बहुत काम मिल रहा है। सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, टेक्नीशियंस, बाकी जो टीम है शूटिंग की, यू नो, खाना खरीदने से लेके होटल में स्टे से लेके हर चीज़ में उस जगह के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि हमारी फिल्मों से और यहाँ की सब्सिडी से किसी के घर में दो रोटी जाए और उसके बच्चों की दुआएं लगे। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स को जो यहाँ के फिल्म बना रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट को जो यहाँ पे सब्सिडी दे रही है, उन सबको बहुत सारी दुआएं लग रही होगी, और उन दुआओं से ही हमारा फिल्म सिटी बहुत जल्दी बहुत अच्छा बन जाएगा जिसमें हम जाके शूटिंग कर पाएंगे कम्फर्टेबली।